हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वर्दी का रौब हो या फिर खौफ, दोनों एक साथ ही चलता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो खाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए कहा जाता था, धमकी दी जाती थी कि पुलिस वाले को बुला देंगे, देखो पुलिस वाला बाहर खड़ा है डंडा लेकर के, और उस डर से बच्चे भी काम करने लगते थे, तो एक खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन आज हम मिलवाने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर से जो बिहार के डीजीपी हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। आखिर क्या वजह रही कि वो आईपीएस बने, और आईपीएस बनने के बाद उनके वो राज जानेंगे जिसकी वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। ये क्या है, ये आपके घर के अंदर में सुबह सुबह अग्नि प्रज्वलित? ये आहुति होती है, नित्य आहुति होती है, 365 दिन, आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, लेकिन ये आहुति होगी। आपकी सुबह की शुरुआत क्या यहीं से होती है, सुबह मॉर्निंग आप अखबार पढ़ने के बाद? सुबह जगते हैं, उसके बाद में थोड़ा अखबार देखना जरूरी होता है, प्रदेश में कहाँ क्या हुआ, किस तरह की समस्या हुई, विधि व्यवस्था से संबंधित कोई समाचार है या कोई महत्वपूर्ण अपराध की खबर है वो देखना पड़ता है, और देखने के बाद संबंधित पदाधिकारी से बात करना पड़ता है। उसके बाद में सुबह में टहलता हूँ 5 किलोमीटर, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, आसन प्राणायाम करता हूँ। आप कैसे आईपीएस बनने की सोचे, क्या घटना घटी ऐसी जो आप? तो बहुत ही मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा स्वभाव नहीं था पुलिस में आने का, और मैंने कभी ड्रीम के रूप में ये नहीं सोचा था कि मैं पुलिस ऑफिसर कभी बनूंगा। तो अचानक मुझे सोचने पर, बहुत लोग ये सवाल करते हैं, तो मुझे याद आया कि बहुत बचपन, अब आज से करीब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, अब तो 50 साल करीब हो गए, मेरे घर में एक सेंधमारी हुई थी, और उसमें एक पुलिस पदाधिकारी आया था मेरे थाना से, और उसने इस तरह से बदतमीजी से सवाल किए, मेरी माँ अनपढ़, मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़, और मैं भी बहुत छोटा ही था, बच्चा ही था 10 साल का, मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चोरी हुई है, कोई पुलिस अफसर आया है तो उसको हमारे साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। मुझे लगा पुलिस वाले इतने खराब होते हैं क्या, मैं रहता अगर इसका हाकिम, इसका मालिक, तो मैं इसको ठीक कर देता। तो ये बात कहीं ना कहीं चेतना में बैठ गई थी, और जब मेरा पुलिस सर्विस में हुआ तो मुझे लगा पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस, लेकिन आप पुलिस सर्विस में होने से पहले यूपीएससी आपने क्वालिफाई किया था और आपको दूसरा सर्विस मिला था, और आप उसको ज्वाइन भी कर चुके थे, फिर भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं? पहले तो ये देखिए, मैं गाँव का पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूँ, उस समय भोजपुरी माध्यम में पढ़ाई हुई थी, गाँव के स्कूल में पढ़ा, जहाँ स्कूल के नाम पर एक झोपड़ी थी, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो भी है वो माहौल गुप्तेश्वर जी यहाँ भी दिख रहा है, देखिए यहाँ एक मड़ई भी है, बरगद का पेड़ भी है ये, और साथ में सब चीजें हमको पुराने जमाने की याद दिलाती है। मैं जहाँ भी रहता हूँ, आप देखिएगा मेरे पूरे में, चाहे वो जहानाबाद में रहे, चाहे वो हजारीबाग में, जहाँ भी रहता हूँ तो एक झोपड़ी जरूर मैं डालता हूँ, ये मुझे अपनी औकात की याद दिलाती है। तो ये बताइए कि फिर आपने आईपीएस बनने की कैसे? मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी, उस समय 11+2+3 का सिस्टम था, 11वीं क्लास में अपना जो पहले स्कूल अपना इंटरनल एग्जामिनेशन लेता था, जिसमें मैं फेल कर गया, क्योंकि मैं साइंस पढ़ता था और मुझे मैथ और साइंस के सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे प्रधानाध्यापक ने बुला कर कहा तुम साइंस से। बरगद का पेड़ भी देखिए यहाँ पर आप जी, इसी टाइप का बरगद का पेड़ था हमारे विद्यालय में जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे इसकी याद आती है बहुत। तो फेल कर गया तो उन्होंने कहा कि आप 8 साइड से परीक्षा दे दो, 8 साइड से परीक्षा दिया, अच्छे नंबर रहे, पास कर गया, और एक संयोग ही है कि अपने एक मित्र जिसके पिताजी यहाँ क्लर्क थे पटना में सचिवालय में, वो पटना ला करके मेरा एडमिशन करा दिया, आईए किया, उसके बाद में संस्कृत में बीए किया, उसके बाद खेती कराने गांव चला गया कि अब पढ़कर क्या होगा। पिताजी कहते थे कि हम लोग खानदान में कोई पढ़ा नहीं, तो तुम इतना पढ़कर क्या करोगे, अब तो कॉलेज में बीए भी कर लिए, बीए का क्या होता है वो नहीं जानते थे, वो समझते थे बीए बहुत बड़ा डिग्री है, बोले कि अब तो सबसे बड़ा डिग्री हो गई। फिर ऐसी परिस्थितियां आई, दिल में तमन्ना आई कि नहीं चल करके
तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो मैं आ गया, दिया, आईआरएस में हो गया, ज्वाइन किया तो वहाँ भी वही हुआ, मुझे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी आती नहीं थी, तो वहाँ डिपार्टमेंटल परीक्षा में वहाँ भी फेल कर गया बुक कीपिंग में। अच्छा, उस समय 7 ऐसे अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया था जो अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं कर गए थे, उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगी थी, तो मैं 10 में आ गया। कितनी मेहनत से नौकरी मिली है, चली जाएगी तो क्या करूंगा, इसलिए मैंने पुलिस में जब दिया हो गया तो मैं छोड़ करके भाग गया। पुलिस सेवा में आया तो मैंने सोचा कि पुलिस को किस तरह गरीबों से, जनता से इसको जोड़ना है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है। मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ सुना भी नहीं था, कुछ जानता भी नहीं था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत हमने की। 40-40 किलोमीटर जंगलों में अकेले फोर्स को लेकर के चलता था। एक जो पहला सवाल था जो आपके मन में उठा था कि पुलिस में किस तरीके से धांधली होती है, लोग FIR तक नहीं करते हैं, तो आपको क्या कभी आपके इस पूरे करियर में ये लगा कि कहीं पर ये पुलिस वाले जो निचले स्तर के हैं, जो पदाधिकारी हैं, थाने हैं, वो मुंशी हैं, दरोगा हैं, ये लोग वाकई बहुत गड़बड़ी करते हैं, फिर इसको आपने कैसे ठीक किया या कोशिश की, या आपको लगा कि ये ठीक हो पाएगा? देखिए, सिस्टम में दोष तो है, और दोष ये है कि लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस की नकारात्मक छवि है। मैं तो इसका खुद भुक्त भोगा हूँ। मैं बेगूसराय में SP था, वहाँ से मैं अपने घर जा रहा था, एक प्राइवेट किसी मित्र की कार से, वो कार आरा में खड़ा हुई, ढोंडियाल था उस समय, आरा में SP थे, तो मैंने उनसे गाड़ी मांगना उचित नहीं समझा और एक बस में चढ़ गया, और मैं एकदम बॉडीगार्ड को छोड़ दिया, ड्राइवर को छोड़ दिया, गाड़ी बंद मतलब अकेले एक बस में चढ़ गया आरा मुफसिल थाना के सामने। एक दरोगा जी को भी बक्सर आना था, उस समय सब दरोगा के पास मोटरसाइकिल और सबके पास जीप तो होती नहीं थी, तो मुझे वो एक स्टाफ सीट होता था, तो किस तरह से मेरे पेट में वो बच्चा समझ कर स्टाफ सीट में, और दरोगा जी आया, हमको स्टाफ सीट से हटाया गुड़ो, और वहाँ बैठ गए, हमने पेट में ऐसे रूल थे ऐसे खुद करके हटाया, जबकि मैं SP था और बेगूसराय में कोई मामूली SP तो मैं था नहीं, और मेरा वजन 55 किलो था, मैं दुबला पतला बालक की तरह लगता था, ये बात तो 28 साल 30 साल, तो हमारे पेट में वो डंडा लगा करके हमको सीट से उठाया गया। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उठकर खड़ा होकर गया, जब बक्सर में उतरा तो वहाँ के पदाधिकारियों को पता था, मैंने खबर कर दिया था, तो बस तो वहाँ से हमको उतारने आए, तो उसने देखा हमको सलाम कर रहे हैं तो पीछे से वो भागा, लेकिन मैंने किसी को शिकायत नहीं की, लेकिन मन में संकल्प किया पुलिस के इस कल्चर को सुधारना है, तब से मैं इस काम में लगा हूँ। मुझे लगता है कि ये सीन जो आप बता रहे हैं, जो रियल जिंदगी में आपके साथ हुआ था, वो रियल जिंदगी में भी देखा गया है, क्या वो आपसे ही प्रेरित था, वो स्क्रिप्ट, वो फिल्म जिसमें ये सामने आया? बड़े प्रोड्यूसर ने, जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, और मैं फिल्म का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी मेरे पर बनी है, बस इतना संकेत मैं करूंगा। आप देखो, आम जनता का की आस्था इस व्यवस्था में बनी रहे, इसमें पुलिस की बहुत अहम भूमिका है, लोगों की बहुत शिकायतें हैं पुलिस से, तो उसको मैंने ठीक करने की बहुत कोशिश की, तो आया तो करीब 400 के आसपास पुलिस पदाधिकारियों को जो दागी थे उनको सिस्टम से मैंने बाहर किया, उसका विरोध भी हुआ, लोग दुखी भी हुए, लेकिन तमाम दबावों के बावजूद भी उनको वापस नहीं आने दिया, सरकार की उसमें सहमति मिली, सरकार का संकल्प निकला, और हजारों लोग सस्पेंड हुए, निलंबित हुए, उन पर विभागीय कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी 2 दर्जन वो दंडित हुए, उसमें आधा दर्जन के आसपास निलंबित हुए, आते आते मैंने शुरू कर दिया, 2-3 महीने में कर दिया, लेकिन इसको लेकर आलोचनाएं शुरू हुई कि बहुत कड़े हैं, बहुत दंड देने वाले स्वभाव के हैं, सबको दंड देते हैं, बहुत टाइट का, रात रात भर घूमना, कभी 2 बजे इस थाना पर, कभी 3 बजे उस थाने पर, कभी 1 बजे बेतिया में है, और 5 बजे मुजफ्फरपुर में है, पूरे 1 साल तो मैं पूरे बिहार को घूमता रहा रात में, बिना सूचना के, बिना प्रोटोकॉल के, तो एक बहुत चुस्ती आई। देखिए, मैंने देखा हमारे यही सिपाही, यही थानेदार, यही इंस्पेक्टर, यही DSP और यही लोग काम करते हैं, इनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए,
तो मैंने ठोक ठोक करके चुन चुन करके छप छुनों को सम्मान 400-500 अधिकारियों को बुला करके सिपाही से लेकर चौकीदार तक से लेकर के डीएसपी तक से लेकर एसपी तक मैंने सार्वजनिक समारोह करके यहाँ सम्मानित किया, सर्टिफिकेट दिया। सवाल ये उठता है कि आप पुलिसिंग और सोशल वर्क दोनों एक साथ आप कर रहे थे, आप करीब 6 मुख्यमंत्री के साथ आपने काम किया है, आपको क्या लगा कि कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बेहतर तरीके से काम कर रहे थे या किनके मुख्यमंत्रित्व काल में आप पर काफी दबाव बनता था? देखिए, आपके इस सवाल से मैं घिर जाता हूं और मैं कुछ भी बोलूंगा तो इस पर बहुत बड़ा विवाद होगा। पूरे बिहार ने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने हैं सबका मुझे स्नेह मिला, सबका आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, मुझे किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं करनी है। लेकिन जब आप बिहार की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि आज से 15 साल पहले 90 के दशक में क्या माहौल था बिहार में, क्या माहौल था आप देख लीजिए। ये खुला हुआ सत्य है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, ये किसी की आलोचना भी नहीं, ये किसी की तारीफ भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है मध्य बिहार में, मैं अरोल में स्थित रहा हूँ, जहानाबाद में स्थित रहा हूँ, औरंगाबाद में स्थित रहा हूँ, ये सब मध्य बिहार के क्षेत्र हैं, नक्सलवाद से प्रभावित किस तरह के जनसंहार होते थे, नक्सली कभी नक्सली को मार रहे हैं, कभी CPIML वाले पार्टी यूनिटी को मार रहे हैं, पार्टी यूनिटी वाले CPIU को मार रहे हैं, बीच में MCC की एंट्री होती है तो MCC और माले की लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ ये जितनी वामपंथी चरमपंथी ताकतें हैं इनके साथ दूसरी ताकतें, इनकी विरोधी ताकतें लड़ रही हैं, उसमें सनलाइट सेना से लेकर के और सवर्ण लिबरेशन फ्रंट से लेकर के रणवीर सेना तक, दोनों के संघर्ष को मैंने देखा है और पूरा मगध जल रहा था। लोग रात में घर में सोते नहीं थे, औरतें घरों में छतों पर खिड़कियां ईंट पत्थर लेकर के सोती थी, कोई सोता था, ये देखा हुआ है मैंने, उस माहौल को देखता हूँ। आज आप देखिए आखिर क्या ऐसा था, ये जानना चाहता है लोग, और ये आप ही कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ क्यों जकड़े हुए थे, क्यों उस समय में जिस तरह से आज आप खुल करके काम कर, सिस्टम को काम नहीं करने दीजिएगा, पुलिस को बंधक बना करके सिस्टम को काम नहीं करने दिया, क्या नतीजा होगा? तो पुलिस को जब तक खुली छूट नहीं दीजिएगा और क्लियर मैसेज नहीं दीजिएगा कि नो नॉनसेंस, यहां जात की लड़ाई नहीं होगी, मजहब की लड़ाई नहीं होगी। आज देखिए तो एक जगह कहीं कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है तो कलेक्टर और SP के हाथ फूलने लगते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ दंगा फसाद हो गया, सरकार गला काट देगी। हम बात करेंगे गुप्तेश्वर पांडे जी से आगे भी इस ब्रेक के बाद, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी को लेकर इन्होंने एक अभियान छेड़ा था, क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या फिर असफल, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?